आर बी एल माई कार्ड जो ऐप है इसको आपको ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको डाउनलोड कर रखा था, तो हमने इसको सिंपली इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर लॉगिंग यूजिंग एम पी एन, तो यहाँ पर जो आपका एम पिन है उसको आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास एम पिन नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरगेट एम पिन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने एम पिन को डाल लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने एम पिन को डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना एम पिन डाल दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एम पिन डालने के बाद सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पूरे कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मेरे कार्ड की जो टोटल जो लिमिट है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 78,000 मेरे कार्ड की टोटल लिमिट है। और यहाँ पे जो मेरे को ड्यू अमाउंट है वो कुछ भी नहीं है, मैंने सारा बिल भर दिया है। और मिनिमम ड्यू भी मेरा कुछ भी नहीं है, कोई भी यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग नहीं है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो व्यू स्टेटमेंट पर आप जब क्लिक कर दोगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा लास्ट बिल कितने का बना था वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो कर देगा। लास्ट बिल मेरा 13 जुलाई 2023 से अगस्त 12 तक का बना था, ठीक है। और अनबिल ट्रांजेक्शन भी आप यहाँ पे देख पाओगे, तो यहाँ पर अनबिल ट्रांजेक्शन भी हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपको पूरा शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो ट्रांजेक्शन है लास्ट ट्रांजेक्शन वो आपको यहाँ पर शो कर देगी। और यहाँ पर अपना पास्ट स्टेटमेंट, अगर आपको कोई भी पुराना स्टेटमेंट चाहिए, लाइक अगर आपको जनवरी का स्टेटमेंट चाहिए, देख सकते हो जुलाई 2023 का स्टेटमेंट चाहिए, जून का चाहिए, मई का चाहिए, जिस भी मंथ का चाहिए उसको आप सिंपली इस तरीके से आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा वन ईयर का पूरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर शो कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो बट हमें यहाँ पर नहीं करना है। और एक ऑप्शन यहाँ पर और भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट ऑल कर दोगे तो सारे स्टेटमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। और नीचे यहाँ पर जो डाउनलोड का बटन है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपने ईमेल पे भी भेज सकते हो। तो हमें लास्ट स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमें करंट मंथ का चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पे जो मेरा लास्ट स्टेटमेंट जो होगा, जो मेरा करंट मंथ का जो होगा, उसका यहां पे आपको साइन यहां पे बना दिया जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इस डाउनलोड के बटन पे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो यहां पर आपका थोड़ा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद आप यहां पर देख सकते हो यहां पर पूरा स्टेटमेंट हमारा डाउनलोड हो चुका है, और यह पूरा स्टेटमेंट हमारे यहां पर ओपन भी हो चुका है। तो मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे पूरा यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा है, पुनीत कुमार आरबीएल बैंक, ठीक है। और जो भी मेरा ट्रांजेक्शन था वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो कर देगा, 15 जुलाई को मैंने कितना ट्रांजेक्शन किया था, और उसके अलावा यहाँ पे सारा कुछ अमाउंट वगैरह भी आपको पूरा शो कर देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी कार्ड की डिटेल्स भी यहाँ पर शो हो जाएगी, कार्ड नंबर वगैरह यहाँ पर कितना है, लास्ट बिल मेरा कितना बना था, लास्ट स्टेटमेंट मेरा कितना बना था, कोई ड्यू अमाउंट तो नहीं है, तो सब कुछ यहाँ पर टोटल क्रेडिट लिमिट कितना है, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कितना है, सब कुछ यहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ मेरा यहाँ पे हिडन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पूरा स्टेटमेंट आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पासवर्ड नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, जैसे आप डाउनलोड करोगे तुरंत ये ओपन हो जाएगा और इस तरीके से आपका पूरा शो कर देगा। तो दोस्तों ये इस तरीके से आप भी अपने आर बी एल बैंक के क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।